नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे और लास्ट टू लेक्चर के अंदर हमने वहाँ पे डिस्कस किया है कि फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा रेनिन किस तरीके से प्रोड्यूस होता है और उसके बाद में हमने सेकेंड मैकेनिज्म हमने पढ़ा कि लीवर के द्वारा जो है एंजियोटेंसिनोजन का रिलीज होता है। इस एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन जो होता है कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन वन के अंदर और एंजियोटेंसिन वन जो है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन टू में विद द इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब एंजियोटेंसिन टू जो होता है उसके डिफरेंट फंक्शन थे, जिसमें एक फंक्शन हमने पढ़ा कि ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है वीनस कैपिलरी को कॉन्स्ट्रिक्शन और आर्टेरियल कैपिलरी को। जब वीनस कैपिलरी का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आर्टेरियल कैपिलरी के कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है उसको इंप्रूव करता है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थी उस मैकेनिज्म को आज हम समझते हैं। तो जो वीनस और आर्टेरियल मैकेनिज्म थी उसके द्वारा तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में यहाँ पे मदद हुआ। थर्ड मैकेनिज्म जो थी एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो एक्ट करता है एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, और एड्रिनल ग्लैंड की जो सेल है उसको हमने नाम दिया जोना ग्लोमेरुलोसा। ये जोना ग्लोमेरुलोसा जो सेल है इसके ऊपर एक्ट करके एंजियोटेंसिन सेकंड एक्ट ऑन जोना ग्लोमेरुलोसा एंड इसके ऊपर एक्ट करके ये रिलीज कराता है एल्डोस्टेरोन को। और हमने आज देखना है कि एल्डोस्टेरोन किस तरीके से फंक्शन करता है। नाउ जब एल्डोस्टेरोन यहाँ पे फॉर्म होता है तो ये एल्डोस्टेरोन जो होता है ये जाके एक्ट करता है नेफ्रॉन के ऊपर, है ना, ये जाके एक्ट करता है नेफ्रॉन के ऊपर। नेफ्रॉन की एक सेल हमने यहाँ पे डिजाइन की है, ये एक नेफ्रॉन की एक सेल है और इस सेल को हमने नाम देना है प्रिंसिपल सेल। ये नेफ्रॉन की एक सेल है और इसको हमने नाम देना है प्रिंसिपल सेल। हर सेल जो होती है उसके पास में न्यूक्लियस होता है, तो इस सेल के पास में भी न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ प्रिंसिपल सेल। और हर सेल के पास में जेनेटिक मटेरियल होते हैं, तो ये इस प्रिंसिपल सेल के जीन्स यहां पे पाए जाते हैं। अब ये जो एल्डोस्टेरोन है ये आके एक्ट करेगा इस सेल के ऊपर, पूरे नेफ्रॉन के ऊपर एक्ट करता है। एक सेल को हमने यहां पे डिजाइन किया, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और जेनेटिक मटेरियल है और ये एल्डोस्टेरोन आके इस सेल के ऊपर एक्ट करता है। अभी किस तरीके से एक्ट करता है यहां पे और कैसे मदद करता है ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के अंदर, तो जब ये इस सेल के ऊपर एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल के ऊपर एक्ट करता है एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस के अंदर इस सेल के ऊपर पाए जाने वाले एल्डोस्टेरोन की रिसेप्टर साइट होती है और ये रिसेप्टर साइट एक्ट करेगी इन जीन के ऊपर। मान लो एल्डोस्टेरोन इन्फ्लुएंस जो रिसेप्टर साइट है ये एक्ट करती है जीन नंबर वन के ऊपर। जब ये एक्ट करती है जीन नंबर वन के ऊपर तो एक स्पेशल प्रोटीन यहां से रिलीज होती है बाय जीन नंबर वन, है ना, या ये जीन है, दिस इज द जीन नंबर वन, जीन नंबर टू और जीन नंबर थ्री हमने इसको माना है। एल्डोस्टेरोन आके एल्डोस्टेरोन की रिसेप्टर पर एक्ट किया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन ये जो रिसेप्टर है ये एक्ट करेगा डिफरेंट जीन्स के ऊपर। जब ये एक्ट करता है जीन नंबर वन के ऊपर तो यहां से ये रिलीज कराते हैं एक स्पेशल प्रोटीन, और ये स्पेशल प्रोटीन जो है वो जाके डिपोजिट हो जाती है बेजोलेटरल साइट ऑफ प्रिंसिपल सेल। ये जो प्रिंसिपल सेल है इसकी बेजोलेटरल साइट, बेजल साइट और लेटरल साइट, ये लेटरल साइड और जो बेजल साइड है इस साइड के ऊपर जाके एक प्रोटीन डिपॉजिट होता है बेजो लेटरल साइड के ऊपर। ये जो प्रोटीन बेजो लेटरल साइड पे डिपॉजिट होती है इस प्रोटीन को नाम देते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस। ये जो प्रोटीन जो जीन नंबर वन के द्वारा रिलीज हुई थी और बेजो लेटरल साइड पे जाके डिपॉजिट होती है इस प्रोटीन को हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस। ये सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं और ये पंप क्या काम करेंगे, इस सेल के अंदर जो भी सोडियम है उस सोडियम को सेल से बाहर की तरफ ले जाएंगे। सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको हम साइटोसोल कहते हैं और बाहर के फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो जो साइटोसोल है वहां से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मूव कराएगा किसका, सोडियम का, तो सोडियम जो है उसको तो सेल से क्या करेगा बाहर निकालेगा। दूसरी तरफ जो पोटेशियम है उसको क्या करेगा सेल के अंदर लाएगा। सोडियम पोटेशियम जीन नंबर वन क्या बनाता है, एक स्पेशल प्रोटीन बनाता है जिसको हमने क्या नाम दिया सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस। ये सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस जो बने हैं ये क्या काम करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप की तरह काम करते हैं और सेल में से सोडियम को तो बाहर ले जाते हैं और पोटेशियम को अंदर लाते हैं। बहुत बेसिक बात है कि इंट्रासेलुलर तो मेजर इंट्रासेलुलर केटाइन जो होता है वो पोटेशियम होता है और मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर केटाइन जो होता है वो सोडियम होता है। तो सोडियम जो है उसको तो सेल से बाहर निकाला जाएगा और पोटेशियम की सेल के अंदर एंट्री होगी। तो अब ये सेल जो है ये सोडियम पुअर हो जाती है और पोटेशियम रिच हो जाती है। ये जो सेल है ये सोडियम पुअर है और पोटेशियम रिच है, सेल के अंदर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर पोटेशियम है और सेल के बाहर कौन चला गया है सोडियम। ये जीन नंबर वन ने काम किया।
नाउ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्ट्रॉन, एल्डोस्ट्रॉन की रिसेप्टर साइट अब एक्ट करती है जीन नंबर टू के ऊपर। पहले इसने काम किया जीन नंबर वन के ऊपर और सोडियम पोटेशियम एटीपेज बनाए और सेल में से सोडियम को खाली कराया और सेल के अंदर किसको भरा, पोटेशियम को भरा। नाउ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्ट्रॉन, जो एल्डोस्ट्रॉन रिसेप्टर है वो एक्ट करेगा अब जीन नंबर टू के ऊपर। जब वो एक्ट करता है जीन नंबर टू के ऊपर तो वो जीन नंबर टू एक स्पेशल प्रोटीन बनाता है और ये प्रोटीन जाके डिपोजिट होती है ल्यूमिनल साइट के ऊपर, ल्यूमिनल साइट नेफ्रॉन की जो ल्यूमन वाली साइट है इसके ऊपर। जीन नंबर वन की प्रोटीन तो डिपोजिट हुई थी बेजोलेटरल साइट पे और सोडियम पोटेशियम एटीपेज बनाई, और जीन नंबर टू की प्रोटीन कहाँ डिपोजिट होती है, ल्यूमिनल साइट में। ये ल्यूमिनल साइट में डिपोजिट जो प्रोटीन होती है इसको हम नाम देते हैं सोडियम चैनल। क्या नाम देते हैं, ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन डिपोजिट होती है ये क्या बनाती है, सोडियम चैनल। नाउ सोडियम चैनल जो है उसका क्या काम है, सोडियम को एक्सचेंज करना। जो भी यहाँ पे ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन होता है, जो भी अमाउंट में सोडियम यहाँ पे आता है, वो जब सोडियम यहाँ आता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये सोडियम चैनल पाए जाते हैं। और अब सोडियम एक्सेस अमाउंट में किधर है, सेल के अंदर है या ल्यूमिनल ल्यूमन के अंदर है ना, मतलब सोडियम ल्यूमन में ज्यादा है या सेल के अंदर ज्यादा है। तो बेसिकली सोडियम किसके अंदर ज्यादा है, ल्यूमन के अंदर। क्यों, क्योंकि सेल के सोडियम को क्या किया जा चुका है खाली, तो सेल में तो सोडियम की है कमी और ल्यूमन के अंदर सोडियम है ज्यादा। और सोडियम जो होता है वो अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, हर सॉल्यूट जो है यही है कि वो अपनी हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा। तो सोडियम जो होता है ये नेफ्रॉन से किधर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। जब सोडियम नेफ्रॉन से सेल की तरफ मूव करता है तो यहां सेल में से इस सोडियम को सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो है वो खाली करवा देते हैं एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। तो सोडियम को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है और सोडियम का यूरिन से क्या कर दिया जाता है, रीअब्जॉर्ब बाय जीन नंबर टू प्रोड्यूस प्रोटीन दैट प्रेजेंट ऑन ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज सोडियम चैनल। तो सोडियम चैनल सोडियम को रीअब्जॉर्ब करते हैं और यहां से सोडियम को इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर थ्रो कर दिया जाता है। और सोडियम हु, द बेसिक क्वेश्चन इज हु लव्स टू फॉलो द सोडियम, वेरी गुड, वाटर, वाटर लव टू फॉलो द सोडियम। पानी जो होता है वो सोडियम का जो है दोस्त होता है और वो सोडियम को हमेशा फॉलो करता है। तो सोडियम जैसे ही अंदर आता है यहां से वाटर का भी रिएब्जॉर्ब होता है, सोडियम जैसे इंटरस्टिशियल में जाता है वाटर भी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाता है ना। तो ये दूसरी मैकेनिज्म है, जीन नंबर टू यहां पे एक्ट करता है। जीन नंबर वन ने जो बनाए थे वो सोडियम पोटेशियम एटीपेज बनाए और जीन नंबर टू है इसने सोडियम चैनल बनाए और सोडियम चैनल ने सोडियम को क्या किया, रिएब्जॉर्ब किया। अगली इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जीन नंबर थ्री के ऊपर एक्ट करता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्ट्रॉन, एल्डोस्ट्रॉन जो रिसेप्टर साइट है वो एक्ट करेगी जीन नंबर थ्री के ऊपर। और जीन नंबर थ्री के ऊपर एक्ट करके ये बनेंगे पोटेशियम चैनल, क्या बनेंगे, पोटेशियम चैनल। और पोटेशियम चैनल जो है जब यहां पे बने तो पोटेशियम चैनल जो ये जो ल्यूमिनल साइट है जो नेफ्रॉन है इसके अंदर भी पोटेशियम पाया जाता है और सेल के अंदर भी पोटेशियम है। लेकिन मैं पूछूं कि पोटेशियम ज्यादा कहां है, तो सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा है एज कंपेयर टू ल्यूमिनल साइट। सेल के अंदर सोडियम कम था, सोडियम पुअर थी, लेकिन पोटेशियम रिच है सेल। तो पोटेशियम जो है वो मूव करता है सेल से ल्यूमन की तरफ और सेल से पोटेशियम खाली होता है और खाली होकर पोटेशियम यहां आता है और यहां से बॉडी से पोटेशियम क्या करता है, एक्सीट आउट। इसलिए हम बोलते हैं कि एल्डोस्ट्रॉन जो होता है वो सोडियम और वाटर को तो क्या करता है, रीअब्जॉर्ब, और पोटेशियम को बॉडी से क्या करवाता है, एक्सक्रीट आउट। तो कैसे काम करता है ये, इन जीन्स के ऊपर काम करता है। जीन नंबर वन के द्वारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज से सोडियम को खाली करवाता है और पोटेशियम को भरता है और सेल को सोडियम पुअर और पोटेशियम रिच बनाता है। सोडियम चैनल के द्वारा जो यूरिन है उसमें से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है तो वाटर उसको फॉलो करते हुए अपना रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और पोटेशियम चैनल के द्वारा सेल में से पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट कराता है ताकि यूरिन के थ्रू पोटेशियम जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। इस तरीके से एल्डोस्ट्रॉन फंक्शन करता है। और अब जब सोडियम और वाटर जो है, सोडियम और वाटर जो है उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा तो सोडियम प्लस वाटर जब किसके अंदर बढ़ेगा, सर्कुलेशन के अंदर सोडियम और वाटर जो है वो बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्सेस वॉल्यूम यहाँ पे जो है वीनस रिटर्न अच्छा होगा। जब वीनस रिटर्न अच्छा होगा तो लेफ्ट हार्ट में वॉल्यूम ज्यादा होगा तो एम डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो प्रीलोड बढ़ेगा, तो सिस्टोलिक स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। तो एल्डोस्ट्रॉन ने भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में इस तरीके से अपनी मदद करना है। एक और इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म एल्डोस्ट्रॉन जो होता है वो, अगली जो मैकेनिज्म एल्डोस्ट्रॉन की रहती है कि एल्डोस्ट्रॉन आल्सो एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एल्डोस्ट्रॉन जो होता है वेरी लॉन्ग पाथवे,
इट ऑल्सो एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये एक्ट करता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के ऊपर। कहां एक्ट करता है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के ऊपर। ये जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के ऊपर एक्ट कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस मदद करता है किसके रिलीज होने में? ADH को रिलीज कराता है। क्या रिलीज कराता है? एल्ड्रोस्टेरोन एक्ट ऑन सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वहां से किसका रिलीज कराता है? ADH का, एंटी डायबिटिक हार्मोन। ये जो एंटी डायबिटिक हार्मोन है ये जाके फर्दर किसके ऊपर एक्ट करता है? लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। एंटी डायबिटिक हार्मोन कहां एक्ट करता है? लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और इस लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के ऊपर जाके ये एक्ट करता है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और यहां पे एंटी डायबिटिक हार्मोन एक्ट करता है और ये मदद करता है इस लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से किसका रीअब्सॉर्प्शन कराता है? वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कराता है। एंटी डायबिटिक हार्मोन डायुरेसिस के अगेंस्ट काम करता है, लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के ऊपर एक्ट करता है, और यहां से किसका रीअब्सॉर्प्शन कराता है? सिंपली वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कराता है। तो वाटर का जब रीअब्सॉर्प्शन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेंट्रिकल के अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये जो मैकेनिज्म है ये किसकी मैकेनिज्म है? एल्डोस्टेरोन की। क्या सिस्टम पढ़ा हमने? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। सबसे पहले हमने रेनिन के बारे में पढ़ा, फिर हमने एंजियोटेंसिन के बारे में पढ़ा, फिर हमने एल्डोस्टेरोन के बारे में पढ़ा। वो इंडिविजुअल जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसका जो है हेमरेज हुआ, वॉल्यूम लॉस हुआ, ब्लड निकला, तो जो वॉल्यूम कम हुआ उसकी बॉडी में हाइपोवॉल्यूम हुआ, तो हमने बोला उस इन्फ्लुएंस के अंदर कुछ ऑर्गन वहां पे मदद करते हैं, और सबसे पहले रीनल फ्लो कम हुआ। जब किडनी को ब्लड का फ्लो कम हुआ तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जो है प्रेशर सेंसर और मैक्यूला डेंसा दैट इज द सोडियम सेंसर, दोनों ने जुक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बनाना है, और ये जुक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या रिलीज कराता है? रेनिन। ये जो रेनिन है ये सर्कुलेशन के अंदर गया, जब रेनिन सर्कुलेशन के अंदर जाता है तो रेनिन यहाँ पे पहुंचता है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है एंजियोटेंसिनोजन जो कि लीवर की हिपेटोसाइट के द्वारा रिलीज होता है। ये एंजियोटेंसिनोजन जो है रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 के अंदर जो कि एक डेकापेप्टाइड स्ट्रक्चर है। ये एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि सिक्रेट किया जाता है सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। एंजियोटेंसिन 1 इज ए डेकापेप्टाइड, एंजियोटेंसिन 2 इज ए ऑक्टापेप्टाइड। एंजियोटेंसिन 2 जो है उसमें डिफरेंट फंक्शन करने, उसमें एक तो ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, वीनस कैपिलरी और आर्टेरियल स्मूथ मसल के ऊपर काम करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। वीनस कैपिलरी में कॉन्स्ट्रिक्शन करा के सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, और आर्टेरियल स्मूथ मसल में कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसके अलावा ये एक्ट करता है एड्रिनल ग्लैंड की कोर्टेक्स पार्ट की जोना ग्लोमेरुलोसा सेल के ऊपर, और वहां से रिलीज करवाता है एल्डोस्टेरोन। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन नेफ्रॉन की प्रिंसिपल सेल जो है वो एक्ट करती है उसके जीन के ऊपर, और जीन नंबर 1 जो है वहां पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज बनाता है बेजोलेटरल साइड के ऊपर, जीन नंबर 2 जो है वो सोडियम चैनल्स बनाता है, और जीन नंबर 3 जो है वो पोटेशियम चैनल बनाता है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो होता है सेल में से सोडियम को बाहर निकालते हैं और पोटेशियम को अंदर भरते हैं, सेल को सोडियम पुअर और पोटेशियम रिच बनाते हैं। इसके अलावा जो है सोडियम चैनल जो जीन नंबर 2 के द्वारा बनते हैं वो यूरिन में से सोडियम को सेल में एब्जॉर्ब कराते हैं, और सेल में से फिर सोडियम जो है सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो है उसको खाली करवा देते हैं सेल में से बाहर, और उस सोडियम को फॉलो करता है वाटर और बॉडी में वाटर का लेवल बढ़ता है। और जीन नंबर 3 जो है वो पोटेशियम चैनल बनाता है, और पोटेशियम चैनल जो होते हैं वो सेल में से पोटेशियम को खाली करते हैं यूरिन के अंदर, और यूरिन पोटेशियम को बॉडी से क्या कराता है? एक्सक्रीट आउट कराता है, और इस तरीके से एल्डोस्टेरोन फंक्शन करता है। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के ऊपर एक्ट करके ADH हार्मोन का रिलीज कराता है। ADH हार्मोन नेफ्रॉन के एंड पार्ट के ऊपर एक्ट करके वाटर को यूरिन में से क्या करता है? रीअब्सॉर्ब कराता है। तो रेनिन विच इज सिक्रेटेड बाय किडनी, एंजियोटेंसिनोजन जो नॉर्मली सिक्रेट होता है लीवर सेल के द्वारा हेपेटोसाइट के द्वारा, वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है रेनिन, और एंजियोटेंसिन 1 जो है उसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो लंग सिक्रेट करेंगे वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में, और एंजियोटेंसिन 2 वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, और इसके अलावा सोडियम और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कराता है, और बॉडी से पोटेशियम को एक्सिट आउट कराता है, और एंटी डायबिटिक हार्मोन को रिलीज करा के अगेन वाटर को रीअब्सॉर्ब कराता है। और इस तरीके से बॉडी में वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और उस ट्रेजेडी वाली कंडीशन में जो ट्रेजेडी उस इंडिविजुअल के साथ में हुई थी उस कंडीशन में बॉडी को सपोर्ट करते हैं, और सोडियम का और वाटर का लेवल बढ़ा के बॉडी में हाइपर वॉल्यूमिया की कंडीशन करवाते हैं, और पोटेशियम को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराते हैं। तो हर इमरजेंसी के अंदर हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने वाला एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। आई होप कि आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आई होगी, और ये मैकेनिज्म जो है बॉडी की एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है।
तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म जो है ये फिनिश होता है। अगर आपको ये मैकेनिज्म के तीनों वीडियो हमने वन बाय वन जो है तीन वीडियो के अंदर इसको देखा है, तो उसको आप पूरा पढ़े समझे, और अगर आपको ये पसंद आया है तो ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का एक संकल्प ले, ताकि हमारी ये छोटी सी कोशिश जो है कई लोगों के लिए मददगार साबित होगी और बहुत सारे लोगों की दुआएं हमारे हमें मिलेगी, और इस तरीके से हम जिंदगी में जो है कई लोगों की मदद करते हुए एक इंसान वाली भूमिका निभा पाएंगे। धन्यवाद।